हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकेत। स्वागत है आपका हिस्ट्री विज़न पे। दोस्तों, मॉडर्न इंडिया की ये सीरीज चल रही है और इसमें सेकंड लेक्चर है पोर्तुगीज़ रिलीजियस पॉलिसी एंड हुगली कन्फ्लिक्ट। अगर इससे पहले आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखिए, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगे। तो दोस्तों, अल्फांसो डी अल्मेडा के बाद आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्की। अल्बुकर्की एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड अल्फांसो बिकम फर्स्ट बीट ऑफ इंडियन टेरिटरी। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अल्फांसो जो है पहली बार बीजापुर के सुल्तान से उनकी टेरिटरी जो कि गोवा थी, उनकी टेरिटरी को सबसे पहले कैप्चर किया। और ऐसा माना जाता है कि ये पहला पॉलिटिकल कंट्रोल रहा पोर्तुगीज़ का इंडियन टेरिटरी पे। ही एबॉलिश सती सिस्टम फर्स्ट इन इंडिया। ही इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स लाइक तंबाकू कैसीज वैरायटी ऑफ कोकोनट। दोस्तों, सबसे पहले जिसने सती सिस्टम को ख़त्म किया जो कि साउथर्न स्टेट में, वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्की। इन्होंने नए नए क्रॉप्स का इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने तंबाकू क्रॉप्स को लाया, कैसीव काजू के क्रॉप्स लाए और अलग अलग कोकोनट के वराइटीज़ को लाया। उसके बाद इनका कार्यकाल चलता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नीनो डा कुन्हा, नेक्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज़। ही शिफ्टेड पोर्तुगीज़ हेडक्वार्टर कोचीन टू गोवा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने हेडक्वार्टर को कोचीन से शिफ्ट करके गोवा लाए। अब इसका क्या कारण है, क्यों किया। बहादुर शाह कन्फ्लिक्ट विथ हुमायूं एंड शाह आस्क्ड हेल्प टू पोर्तुगीज़ एंड पोर्तुगीज़ हेल्प शाह। देन शाह इम्प्रेस्ड पोर्तुगीज़ एंड गेव एज अ गिफ्ट बसेन आइलैंड डिपेंडेंसी एंड रेवेन्यू। देखिए दोस्तों, इसके पैरेलल में क्या चल रहा था। बहादुर शाह जो कि गुजरात में बैठा हुआ था, उसका कन्फ्लिक्ट चलता था हुमायूं से जो कि मुग़ल एम्परर थे। तो ऐसे में क्या हुआ, बहादुर शाह ने हेल्प मांगा पोर्तुगीज़ से कि भैया हमारी आप हेल्प कर दीजिए और हमको हुमायूं से लड़ना है। तो पोर्तुगीज़ भी सोचे अच्छा ठीक है, चलो देते हैं हेल्प। तो पोर्तुगीज़ ने हेल्प किया, क्योंकि ये पोर्तुगीज़ जो है नेवल पावर इनके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ये पानी के एकदम सी के मास्टर थे। तो इन्होंने हेल्प किया और हुमायूं को जैसे तैसे खदेड़ दिया। उसके बाद हुमायूं जो है पर्सियम जाके शरण लेते हैं। बाद में हुमायूं आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये पिक्चर चल रही है। उसके बाद क्या हुआ, बहादुर शाह इम्प्रेस हुए पोर्तुगीज़ के, भाई तुम मेरा मदद की, ऐसी सी बात थी। तो ये क्या करते हैं, बसेन आइलैंड ठीक है दे देते हैं गिफ्ट में, और उसके साथ साथ डिपेंडेंसी एंड रेवेन्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना भी टैक्स वहाँ से पे कलेक्ट होगा उस पे सारा अधिकार रहेगा पोर्तुगीज़ का। कुन्हा इंक्रीज पावर ऑफ पोर्तुगीज़ इन बंगाल बाय सिटिंग न्यू हेडक्वार्टर इन हुगली। अच्छा, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि हुगली में एक सेटलमेंट पोर्तुगीज़ की इस्टेब्लिश की जो कि बंगाल में है, और इससे जो है पोर्तुगीज़ का कंट्रोल थोड़ा थोड़ा बंगाल पर भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, रिलीजियस पॉलिसी। पोर्तुगीज़ की रिलीजियस पॉलिसी देखिए दोस्तों, पोर्तुगीज़ जो थे वो बहुत ही क्रूअल किस्म के थे। ये ज़रा सा भी सोचते नहीं थे, तुरंत किसी न किसी को मार काट देते थे अगर इनके बात को कोई नहीं मानता था। मूर्स आर बिटर एनिमीज ऑफ पोर्तुगीज़ इन नॉर्थ अफ्रीका एंड अरब एंड सम नेटिव्स ऑफ इंडिया एनिमीज ऑफ पोर्तुगीज़। पोर्तुगीज़ इन टॉलरेंस टूवर्ड मुस्लिम हिंदू एंड कन्वर्टेड इन टू क्रिश्चियनिटी। अब देखिए, ये नॉर्थ अफ्रीका वाला जो पार्ट है ठीक है, उसमें मूर एक रहती थी रिलीजियन, या एक कह सकते कम्युनिटी मूर रहती थी। तो उनके पोर्तुगीज़ जो है उनके तरफ बड़ा इनटॉलरेंस की नीति अपनाते थे और उन्हें पसंद नहीं करते थे। सेम एज़ इंडिया में भी जो अरब रूलर थे और सम नेटिव्स थे जो इंडिया के, उनके उनके टूवर्ड्स भी जो पोर्तुगीज़ हैं उनका रिलीजियस इनटॉलरेंस रहता था। उनको मुस्लिम हो गए चाहे हिंदू हो गए, उनको कन्वर्ट कराते थे क्रिश्चियनिटी में। ये छोटे बच्चों को स्लेव बनाते थे, उसके बाद उनको भी कन्वर्ट कराते थे। इस तरह की इनकी रिलीजियस पॉलिसी थी। फर्स्ट मिशन ऑफ अकबर टू प्रिस्ट रुडोल्फो एक्वावाइव एंड एंटोनियो मोनिजरेट। अब क्या कह रहा है, अकबर ने एक मिशन चलाया, एक कैंपेन चलाया जिसमें कि अलग अलग धर्म के अलग अलग कम्युनिटी के लोग आए और अपने रिलीजियस को बताएं, अपने रिलीजियस का प्रचार करें। तो अकबर ने बुलाया, तो पोर्तुगीज़ ने दो अपने प्रिस्ट को भेजा, एक रुडोल्फो एंड मोजरेटो को ठीक है, वहाँ पे गए। अच्छा,
पोर्तुगीज़ इस मकसद से गए थे कि अकबर को किसी तरह कन्वेंस किया जाए और उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराया जाए, लेकिन अकबर तो समझदार, वो राज़ी नहीं होता। और ये मीटिंग हुई, लेकिन फिर भी पोर्तुगीज़ फेल हो गए अपने कन्वर्ट वाले सोच को लेके कि मैं कन्वर्ट करवा दूंगा अकबर को, इस तरह का कुछ, लेकिन करवा नहीं पाए। तो ये मिशन लगभग लगभग फेल माना गया। सेकंड मिशन भी अकबर ने बुलाया और सेम वही रहा इंसिडेंस, कुछ उसमें रिजल्ट नहीं निकला। थर्ड मिशन जब अकबर ने बुलाया तो थर्ड मिशन में फिर दो पृष्ठ गए जिनका नाम था जेरोम एग्जीवर एंड इमैनुअल पिनहेरियो। अब देखिए, यहाँ जब पहुँचे ये दोनों लोग तो अकबर से बातचीत हुई और ये मीटिंग लाहौर में हुई। तो फाइनली अकबर ने परमिशन दे दिया कि आप लाहौर में रह के अपने रिलीजियस का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप फोर्सफुली नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है आप किसी को कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद कैप्चर ऑफ हुगली। आफ्टर मुगल फरमान पोर्तुगीज सेटल डाउन हुगली शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम सतगांव इन बंगाल, दैट इज़ न्यू पोर्ट ऑफ पोर्तुगीज। अब देखिए, मैंने बताया था कि कुन्हा जो थे उन्होंने हुगली में एक न्यू हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया था। अब क्या हुआ, मुगल का एक फरमान आया कि पोर्तुगीज़ जो है हुगली के पास एक शॉर्ट डिस्टेंस एक दूरी पे, कुछ दूरी पे सतगांव है बंगाल में, वहाँ पे एक पोर्तुगीज़ अपना एक और पोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, हुआ क्या, इन्होंने बनाया, बढ़िया से ट्रेडिंग वेडिंग किया, लेकिन ये पोर्तुगीज़, मैंने बताया, रिलीजन्स पे काफ़ी इंटॉलरेंस की नीति अपनाते थे। तो हुआ क्या, पोर्तुगीज़ स्टार्टेड क्रूअल स्लेव प्रैक्टिस जून 1632। पोर्तुगीज सीज टू स्लेव ऑफ गर्ल मुमताज महल, देन शाहजहाँ ऑर्डर मुगल आर्मी अटैक पोर्तुगीज सेटलमेंट एंड डिस्ट्रॉय हुगली पोर्ट। अब देखिए, इन्होंने एक गलती कर दी। गलती क्या की पोर्तुगीज़ ने, मुमताज महल की दो दासियों को ये उठा लिया और इन्हें स्लेव के तौर पे इस्तेमाल करने लगे। और ये जब बात मुमताज महल को पता चली तो जाहिर सी बात है मुमताज महल नाराज़ होंगी, उन्होंने शाहजहाँ को ये बात बताई। उसके बाद शाहजहाँ ने क्या किया, शाहजहाँ ने तुरंत अपनी मुग़ल आर्मी को भेजा और कहा जितने भी पोर्तुगीज़ सेटलमेंट हैं और जितने भी पोर्ट हैं पोर्तुगीज़ के, उस पर अटैक करो और इसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो मुग़ल आर्मी वहाँ पहुँची, उसके बाद अटैक हुआ। और लास्ट में आप देखेंगे कि ये पोर्तुगीज़ का डिक्लाइन का कारण भी रहा कि इन्होंने ऐसी हरकत कर दी। होता क्या था, ये छोटे छोटे बच्चे को अगवा करते थे, उसके बाद इन्हें कन्वर्ट करते थे क्रिश्चियनिटी में और इन्हें पोर्तुगीज़ या यूरोपियन कंट्री में भेज देते थे। तो इस तरह की इनकी नीति काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आती थी, लोग इनका बर्ताव काफ़ी बुरा रहता था, इस वजह से ज़्यादातर इनका विरोध होता था। अब बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज़ की। कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि पोर्तुगीज़ का कंट्रोल इंडिया पे कम हो गया, या ये कहें कि पोर्तुगीज़ पूरी तरह से इंडिया का डिक्लाइन हो गया इंडिया में से। पहला फैक्टर है कि हुगली कन्फ्लिक्ट, दूसरा रिलीजियस पॉलिसी, एंड थर्ड इमरजेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज़, एंड फोर्थ इज़ अराइवल ऑफ मैनी कंपनीज। जैसे सी व्हाट हैपन, हुगली कन्फ्लिक्ट आपको पता है कि दो स्लेव जो कि मुमताज महल की दो गर्ल स्लेव थी, उनको पोर्तुगीज़ ने क्या किया, कैप्चर किया। और उसके बाद शाहजहाँ ने फरमान ये सुनाया, अपने आर्मी को फरमान दिया कि जाओ भाई अब इन्हें डिस्ट्रॉय करो हुगली पोर्ट से। तो ये पूरा जो किस्सा था वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है कि पोर्तुगीज़ का सेटलमेंट हुगली पोर्ट से कम हो गया, या फिर कहा जाए बंगाल से कंट्रोल इनका कम हो गया। सेकंड है रिलीजियस पॉलिसी। मैंने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा इनटॉलरेंस थे रिलीजियस को लेके, और इन्हें लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराया जाए। देखिए दोस्तों, हुआ क्या, जब इन्हें पुर्तगाल से ऑर्डर मिला किंग का कि जाओ तुम ट्रेड कर सकते हो इंडिया में, तो उनका एक और कहना था, एक और बात उनका कहना था उनके किंग का, आपको ट्रेडिंग के साथ साथ अपने रिलीजन को भी प्रमोट करना है इंडिया में। थर्ड फैक्टर आता है डिक्लाइन का पोर्तुगीज़ का, इमरजेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टी। देखिए इस टाइम क्या है कि डेक्कन में या साउथ में कह सकते हैं कि अलग अलग डायनेस्टीज़ जो है पावरफुल हो रही थी, उसमें से एक थी मराठा। मराठा ने क्या किया, जो बेसिन आइलैंड था जो पोर्तुगीज़ के कंट्रोल में था, वो उनके कंट्रोल से छीन के अपने कंट्रोल में लाया। तो ये भी
एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि पोर्तुगीज़ का डिक्लाइन हुआ, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे। क्योंकि अभी मान लीजिए ट्रेडिंग अगर पोर्तुगीज़ करते हैं और मराठा अटैक कर दें, उसके बाद ये परेशान हो जाते थे कि अरे यार ये तो काफ़ी परेशान कर रहे हैं, तो अब यहाँ से हटो, अब कहीं और चलते हैं। फोर्थ फैक्टर, अराइवल ऑफ मैनी कंपनीज़। देखिए दोस्तों, शुरुआत में ही मैंने कहा कि ये रिलीजन्स के प्रति इनटॉलरेंस रहते थे, तो होता क्या था, ये थोड़े से डिसऑनेस्ट भी थे। तो जब अलग अलग कंपनी भारत में आने लगी, इसके बाद फ्रेंच आई, इंग्लिश आई और डच आई, तो वहाँ के जो इंडिया के जो नेटिव थे उन्होंने सोचा कि यार जब और कंपनियाँ हैं तो मैं इनके साथ क्यों ट्रेड करूँ पोर्तुगीज़ की। तो दोस्तों, ये सारा डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज़ के फैक्टर्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में डच आए, क्या उनका इम्पैक्ट रहा और उन्होंने कैसे अपने कंपनी के ट्रेडिंग को स्प्रेड किया। तो आज के लिए इतना ही।